एवरीवन, वेलकम टू चैनल हुनर मुस्कान का। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाली नई वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकॉन पे क्लिक करें। आज हम लोग बनाएंगे कचौड़ी। कचौड़ी का नाम सुन के लगता है दाल की कचौड़ी रहेगी, बेसन की कचौड़ी रहेगी, पर हम लोग बनाएंगे आज मटर की कचौड़ी। इसकी टेस्ट बिल्कुल ऑसम, जबरदस्त, जकास रहती है। और ये कमेंट्स उन लोगों ने दिए जिन लोगों ने मेरे हाथ की ये कचौड़ी खाई, ये बहुत ही टेस्टी रहती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लगेगा नमक, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, लाल मिर्च, गरम मसाला, किचन किंग मसाला, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया। अभी धनिया, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम लोग पीस लेंगे। इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है हमें, क्योंकि ये फिलिंग के लिए यूज़ करेंगे तो इसमें मोटे पीसेस नहीं होने चाहिए। अभी इसका पेस्ट बना लेंगे हम लोग, देखिए इस तरह से। इसके बाद लेंगे हम लोग अभी मटर। मटर को अच्छे से धो के उसे बॉईल करना है, दो सीटी लगवा के। उसके बाद इसका भी हम लोग पेस्ट बनाएंगे। मिक्सी जार में पहले मटर लेंगे, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। नीट लगे तो एक दो चम्मच पानी का इस्तेमाल करें और इस तरह से पेस्ट बनाएं, बिल्कुल पतला सा। पैन में ऑयल लेंगे, उसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसे थोड़ा सा भूनना है। फिर डालेंगे मसाले, जीरा पाउडर, सौंफ का पाउडर, नमक, लाल मिर्च, किचन किंग मसाला और गरम मसाला। इसे अच्छे से भून लेंगे। शक्कर और बेसन डालना है फ्रेंड्स, वो बाद में डालेंगे हम लोग। सॉरी, मैंने आगे मेंशन नहीं किया है वो। अभी इसमें डालेंगे हम लोग मटर का पेस्ट जो हमने बनाया है। इसे अच्छे से भूनते जाएंगे जब तक पेस्ट ड्राई होता जाए। अभी इसमें डालेंगे हम लोग शक्कर। एक चम्मच शक्कर डाला है मैंने, सॉरी फ्रेंड्स, मैंने आगे इंग्रेडिएंट्स में मेंशन नहीं किया है। इसके बाद डालेंगे डेढ़ चम्मच बेसन और उसे अच्छे से भूनेंगे, जिससे पेस्ट ड्राई भी होगा और टेस्टी भी होगा। करीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे अच्छे से भूनने में। अभी हम लोग आटा गूंदेंगे। मैदा लेंगे पहले बाउल में, उसमें डालेंगे नमक और एक चम्मच शक्कर। इसमें डालेंगे तेल, 4 से 5 चम्मच के करीब है तेल। अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी बनती है तो हम लोग इसके पानी से आटा गूंदेंगे। चपाती से थोड़ा सा आटा गूंदना है और इसे 5 मिनट हम लोग अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। भूनना है अच्छे से। उसके बाद कवर करके हम लोग इसे रखेंगे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए। आधे घंटे के बाद इसका एक पोर्शन लेंगे, छोटी सी लोई लेनी है। ये मिक्सचर हम लोग फिलिंग के लिए यूज़ कर